So the next condition is we use it to give information about a long continuous action that has just stopped. अभी last condition हमने देखा था कि एक continuous action है जो अभी भी continue कर रहा है, उसके लिए हम use करते हैं, लेकिन कोई ऐसा action जो काफी समय से चला आ रहा था, just अभी अभी, just now it has finished, it has ended, उसके लिए भी हम present perfect continuous tense को use करते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ शुभम has been playing golf. शुभम golf खेल रहा था, खेल रहा है. इसका मतलब वो खेल रहा है, बस अभी अभी उसने रोका है, अभी अभी उसने खत्म किया है. So शुभम has been playing golf. Right? So, ये एक ऐसा action है जब मैं बात कर रही हूँ, ये काम खत्म हो चुका है, ये काम रुक चुका है. Right? Another is like Indu has been preparing for a party. मान लीजिए आज इंदु के घर में शाम को पार्टी है उसके बेटे की, और वो सुबह से तैयारी करती आ रही है. सो स्टार्टिंग उसने मॉर्निंग में किया था, करे जा रही है, लेकिन अभी जिस समय मैं ये बात कर रही हूँ उस समय वो प्रिपरेशन ख़त्म कर चुकी है, बट वो सुबह से कर रही थी. सो इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे. इंदु हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ पार्टी. सो इस तरह से आप कोई भी सोच सकते हैं, अच्छा ये काम मैं कर रहा था, अभी अभी ख़त्म किया. सो लाइक दैट यू कैन मेक मोर सेंटेंसेस. अब यूजुअली जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इसे यूज़ करते हैं इन केस ऑफ दोज थिंग्स जो कंटिन्यू हो रहे थे, या तो ख़त्म हुए अभी अभी या अभी भी चल रहे हैं. सो अगर आप चाहें क्वेश्चन पूछना किसी से दैट अच्छा इंदु हैज़ बिन प्रिपेयरिंग फॉर अ पार्टी, इंदु पार्टी की प्रिपरेशन कर रही थी, कब से कर रही थी. सो यूजुअली वी कैन आस्क क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ लॉन्ग. सो लेट्स सी हम किस तरह से हाउ लॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं. सो एज आई सेड, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस वी यूज़ हाउ लॉन्ग, और उसके बाद आप जो पूछना चाहते हैं. जैसे अगर मैं कहती हूँ कुणाल इज स्लीपिंग, कुणाल सो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कुणाल इज स्लीपिंग, राइट, कुणाल सो रहा है. अब आप जानना चाहते हैं कब से सो रहा है. सो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ लॉन्ग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज हाउ लॉन्ग, देन हाउ लॉन्ग विल बी द क्वेश्चन कुणाल. अब क्योंकि आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पूछ रहे हैं, सो द फॉर्मेट विल बी हाउ लॉन्ग कुणाल हैज बीन स्लीपिंग. कुणाल कब से सो रहा है. सो फॉर हाउ, आई मीन हाउ लॉन्ग कुणाल हैज बीन स्लीपिंग, तो आप जवाब दे सकते हैं एक घंटे से, दो घंटे से, छः बजे से, जो भी आप देना चाहते हैं. बट टू आस्क क्वेश्चन वी ऑलवेज यूज हाउ लॉन्ग, कब से. अगर मैं कहूँ कि मैं नाच रही हूँ, राइट, या मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. या अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, और आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आप पूछते हैं अरे कब से सीख रहे हो, राइट. सो हाउ लॉन्ग, अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे, सो इट विल नॉट बी आई, इट विल बी यू. हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश सीख रही हैं. या अगर मैं कहती हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, सो आप क्या पूछेंगे, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश पढ़ा रही हैं. सो हियर इफ यू टॉक अबाउट दिस, यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बात करते हैं कि कोई काम हो रहा है या होता आ रहा है, तो आप सवाल करते रहे कब से, आ वो सो रहा या वो खेल रहा है,
कब से खेल रहा है, हाउ लॉन्ग ही हैज़ बीन प्लेइंग। सो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखते हैं कि अगर एक दो सेंटेंस अलग अलग दे रखे हैं तो उनको हम ज्वाइन करके किस तरह से एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बना सकते हैं। सो लेट्स सी दैन, इफ आई से अब्दुल इज प्लेइंग वीडियो गेम, ये एक सेंटेंस है मेरा, अब्दुल इज प्लेइंग वीडियो गेम। He started playing at 6 o'clock. वो 6 बजे से खेलने लगा है। अब्दुल वीडियो गेम खेल रहा है और उसने 6 बजे से खेलना शुरू किया। सो यहाँ दो सेंटेंसेस हैं। अब इनको ज्वाइन करके हम एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। तो किस तरह से होगा, फर्स्ट विल बी योर सब्जेक्ट दैट इज अब्दुल, देन बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी विल यूज़ द फॉर्मेट अब्दुल हैज़ बीन। वॉट इज अब्दुल डूइंग, ही इज प्लेइंग, वॉट इज ही प्लेइंग, वीडियो गेम, राइट। सो अब्दुल हैज़ बीन प्लेइंग वीडियो गेम, कब से खेल रहा है, 6 बजे से खेल रहा है। सो इट इज सिंस 6 o'clock. सो अब्दुल हैज बीन प्लेइंग वीडियो गेम सिंस 6 o'clock, राइट। सो लेट्स लुक इनटू अनदर एग्जांपल। इफ आई से इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड इज It started 2 hours earlier or 2 hours ago. 2 घंटे पहले शुरू हुई थी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, इट, सो हम इट करेंगे। देन क्योंकि इसे हमें टाइम फ्रेम में लाना है, सो इट हैज़ टू बी अ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, कब से, 2 घंटे पहले शुरू, यानी 2 घंटे से हो रही है। सो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours। इस तरह से हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। और इन सब के एग्जांपल्स हम आगे एक्सरसाइजेस में करेंगे, जिसमें हम एक सिंपल कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस करेंगे। वी विल ऑल्सो डू द सेंटेंसेज यूजिंग द क्वेश्चनर्स, हाउ लॉन्ग एंड दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज ऑल्सो वी विल प्रैक्टिस। सो अभी तक जो हमने किया है वो है हमारी कंडीशंस, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। वन, द वर्क विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, एंड द सेकेंड इज इट कॉन्टिन्यूड फॉर सम टाइम बट राइट नाउ, जस्ट राइट नाउ स्टॉप्ड, राइट। एंड वी डिड सम सेंटेंसेस। अब आप इन सारी कंडीशंस के ऊपर खुद से भी कुछ सेंटेंसेस बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं व्हाइल पॉजिंग योर सेशंस आफ्टर एवरी कंडीशंस। सो नाउ आफ्टर द कंडीशन लेट्स लुक इनटू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाने के लिए। नाउ लेट्स लुक इनटू द फॉर्मूला, हाउ डू वी मेक द सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सब पहले अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं, वी नो दैट एवरी सेंटेंस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन, आईएनजी, वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हम लगाते हैं फॉर या सेंस। इन केस ऑफ अ नेगेटिव इट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विद नॉट, बीन, verb and ing with object, and in case of interrogative हर question क्या से शुरू, क्या 2 बजे से बारिश हो रही है, like that, तो क्या के लिए हम helping verb को पहले ले आते हैं। helping verb subject been, verb with ing object, and then if you want for or since तो for and since आता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि helping verb यहाँ पर क्या होते हैं।
As the name suggests, it's a present perfect continuous. हम जानते हैं कि continuous की पहचान होती है ing. ing form of verb हमेशा continuous tense में ही use होता है. So ing form, I mean the verb with the ing form आपका continuous tense का है. अगर हम helping verb की बात करते हैं, so helping verb present we are doing, continuous हो गया, बचा क्या हमारा perfect. So यहाँ पर जो हमारा helping verb है that is going to be of a perfect tense. वो present perfect tense का आपका helping verb होगा. क्या होते हैं helping verbs हमारे present perfect tense के? Has और have. जो हमने अपने last session जब हमने present perfect tense किया था तब देखा था कि present perfect tense में हमेशा helping verbs हमारे has and have होते हैं. Third person singular याद कीजिए. Third person singular always uses you know has. वो हमेशा has लेता है और बाकी सब के साथ हम have को use करते हैं. Whether it is a first person singular or plural, second person singular or plural, or third person plural. सबके साथ हम have use करेंगे. सिर्फ third person singular के साथ हम has को use करते हैं. वही हम यहाँ करने वाले हैं. अब यहाँ पर आप कहेंगे कि been क्यों लगाया है? Usually been जो होता है वो be का third form होता है, right? Be. I will be there. मैं वहाँ होऊँगा. तो been is always like have you been there? Have you been there? वहाँ पर been जो है वो be की third form है. लेकिन यहाँ पर been का कोई as such verb का meaning नहीं है. It's not acting as a verb here. यहाँ पर ये एक तरह से आपका एडिसिव का काम कर रहा है. जैसे कि हम कभी भी दो चीज़ें ज्वाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दो वुड के पीस या दो पेपर ज्वाइन करते हैं, हमेशा उसके बीच में आपको कुछ लगाना पड़ता है उसको ज्वाइन करने के लिए. इट कैन बी सम एडिसिव, इट कैन बी सम स्टेपल्स और कुछ भी. उसी तरह से हम यहाँ पर दो अलग अलग टेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं. वन इज़ अ परफेक्ट टेंस एंड वन इज़ अ कंटिन्यूस टेंस. सो इन दोनों टेंसेस को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ जस्ट टू ज्वाइन इन केस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. प्लीज़ माइंड इट, मैं दोबारा ये कह रही हूँ, बीन एक वर्ब की तरह भी यूज़ होता है लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के केस में बीन सिर्फ एक जॉइनिंग की तरह यूज़ हो रहा है. दिस इज़ जस्ट अ जॉइनर बिटवीन परफेक्ट एंड अ कंटिन्यूस टेंस. इसका यहाँ पर इस टेंस में कोई मतलब नहीं है. सो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीन आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. अब हम बात करते हैं फॉर या सिंस के. हमने परफेक्ट टेंस में सीखा था फॉर इज़ यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी ड्यूरेशन की बात करते हैं, उसके लिए हम फॉर को यूज़ करते हैं. और हम सिंस को यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, किसी चीज़ के शुरू होने का समय, राइट? तो फॉर यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या इजियर वे में कहूँ तो नंबर के केस में, जैसे 2, 4, 10, 20, 50, 100, जब एक नंबर्स की बात करते हैं. उसके अलावा जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो सुबह से या कुछ भी है जो नंबर्स नहीं है, उसके केस में हम सिंस यूज़ करते हैं. लेट्स मेक सम एग्जांपल्स, जस्ट टू सम एग्जांपल्स टू मेक इट मोर क्लियर. अगर मैं कहूँ कि मैं रोमा का इंतज़ार कर रही हूँ 2 घंटे से, राइट? सो इफ आई से आई, अब आई जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो इट विल बी हैव. आई हैव बीन वेटिंग फॉर रोमा फॉर एन आवर, राइट? मैं 1 घंटे से उसका इंतजार कर रही हूँ रोमा का. सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर रोमा फॉर एन आवर. सो नेगेटिव विल बी आई haven't been waiting for Roma for an hour. मैं 1 घंटे से उसका इंतज़ार नहीं कर रही हूँ. Question will be क्या मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ? Have I been
waiting for Roma for an hour, right? क्या मैं एक घंटे से उसका इंतजार कर रही हूँ, right? So अब हम एक काम करते हैं, हम दूसरा कोई subject लेते हैं, let's say रोहित या धीरज, कुछ भी ले सकते हैं. Let's make another sentence using this. Okay, let's do it. If I say Dev, अब Dev क्या है? It is third person singular, right? So if I say Dev, as I change the subject from I to Dev, automatically मेरा helping verb change हो जाएगा. So it will be Dev has been. The remaining sentence remains the same. Dev has been waiting for Roma for an hour. Dev एक घंटे से रोमा का इंतज़ार कर रहा है. रोमा अभी तक नहीं आई है, बट वो एक घंटा पहले इंतज़ार करना शुरू किया था, अभी तक कर रहा है. सो नेगेटिव विल बी देव हैजंट बीन वेटिंग फॉर रोमा फॉर एन आर, राइट? So the, what will be the question? Has Dev been waiting for Roma for an hour? क्या देव एक घंटे से रोमा का इंतजार कर रहा है? इसका question क्या बनेगा? How long Dev has been waiting, right? How long Dev has been waiting for Roma? Answer is for an hour. राइट. सो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, अभी तक आप पढ़ ही रहे हैं. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. आई हैवंट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? या ही इज स्पीकिंग और ही इज फाइटिंग, राइट? He is fighting. He has been fighting for 1 hour. He has not been fighting for an hour. Has he been fighting for an hour? So इस तरह से आप कोई भी sentences बना सकते हैं, जितने चाहें आप बना सकते हैं. एक sentence लीजिए, उसे तीनों forms में डालिए, so that you have a more practice of improving yourself. And अब हम और examples देखेंगे जिन्हें आप change कर सकते हैं, कैसे change कर सकते हैं. And then we will do some questionnaires also. I mean some exercise, practice exercises for the usage of a present perfect continuous tense. So students, let's do some more examples for your practice. Kuch aur sentences karte hain. The first sentence is, they have been waiting for the train for 2 hours. Wo 2 ghante se train ka intezaar kar rahe hain. So yahan par agar hum dekhte hain, humne abhi dekha tha ki hamesha present perfect continuous mein helping verb hum perfect ka use karte hain, and for continuous we use ing. Aur time batane ke liye hum kabhi kabhi फॉर या सेंस को यूज़ करते हैं. सो दे हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं. दिस, इफ़ यू सी, दिस इज़ अ नॉर्मल और पॉजिटिव सेंटेंस. आप इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बना सकते हैं. वो 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं ट्रेन का. दे हैव नॉट बीन वेटिंग. यहाँ पे ध्यान रखिए, हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है, आई मीन नॉट जो है, वो हमेशा यहाँ मेन वर्ब, आई मीन में हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और बीन से पहले आएगा. दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं. हो सकता है सिर्फ 1.5 घंटे से कर रहे हों या 2.5 घंटे से कर रहे हों, लेकिन 2 घंटे से नहीं कर रहे हैं. सो द क्वेश्चन विल बी, Have they been waiting for the train for 2 hours? क्या वो 2 घंटे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं? आई मीन मुझे कहा कि वो कर रहे हैं, बट आई हैव अ डाउट. सो मैं जानना चाहती हूँ कि सच में वो कर रहे हैं. Have they been waiting for the train for 2 hours? क्या वो सच में ट्रेन का 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं?
The next sentence says, Manish has been having lunch. Manish apna lunch kar raha hai. So here also we can make a negative and an interrogative sentence. So negative will be Manish has not been having lunch. Has Manish been having lunch? Kya Manish lunch kar raha hai? So let's look into the another example here. Another is, Anu has been painting the house. Anu apne ghar ko paint kar rahi hai. Anu has been painting the house. Again, a positive sentence. Negative hoga, Anu has not been painting the house. Question will be, has Anu been painting the house? Kya Anu ghar ko paint kar rahi hai? Next is, has Harish been reading a book? Kya Harish book par raha hai? So here if we see, it is an interrogative sentence. Ek interrogative sentence hai. Kya Harish kitab par raha hai? Padta aa raha hai. So iska aap ek positive or negative sentence bana sakte hain. Harish has been reading a book. Wo kitabe padta aa raha hai. Kitab padta aa raha hai. Aur agar iska hum negative karenge, Harish has not been reading a book. Wo kitab nahi padta aa raha hai. Shayad khel raha hai ya jo bhi kar raha hai, but wo kitab nahi padta aa raha hai, kuch aur kar raha hai. Again here the next question here shows, has Ben been making film? Kya Ben film banati aa rahi hai? So here again it is an interrogative sentence, so hum iska ek positive sentence bana sakte hain. Ben has been making film. Wo film banati aa rahi hai, bachpan se short films bana rahi hai ya jo bhi hai. To kya wo film banati aa rahi hai is a question, aur humne kaha Ben has been making film. Wo film banati aa rahi hai. Negative will be, Ben has not been making films. Ben film nahi bana rahi hai. Shayad wo plays bana rahi hai, ya plays direct kar rahi hai, ya kuch aur kar rahi hai, but film nahi kar rahi hai. Abdul has not been playing cricket. Abdul cricket nahi khelta aa raha hai. So this is a negative sentence. Abdul nahi khel raha, ho sakta hai koi aur khel raha ho, ya Abdul cricket na khel ke football khel raha ho. So hasn't, because it is a negative sentence. Positive kya hoga? Abdul has been playing cricket. Abdul cricket khelta aa raha hai, right? Aur iska question kya hoga? Has Abdul been playing cricket? Kya Abdul cricket khelta aa raha hai? So here also you can make more sentences. Aisa hota aa raha hai, barish hoti aa rahi hai, pankha chalta ja raha hai, khana banate ja raha hai. Koi bhi, aap koi bhi kisi bhi cheez ko lekar sentence bana sakte hain, wo batane ke liye ki koi kaam past mein shuru hua aur abhi tak chalta aa raha hai. Just abhi tak, jab tak aap baat kar rahe hain, wo kaam chal raha hai. Okay, now let's make some sentences, do some exercises related to present perfect continuous tense. Here, if you look at the first one, the first exercise, here we have is read the situation and write the sentences in the present perfect tense. Aapko in sentences ko padhkar, unko present perfect tense mein use karna hai, use dalna hai. The first sentence here says, Carol is out of breath. Out of breath means, Carol jo hai wo haaf rahi hai. Carol out of breath hai. Kyun hai? Yahan pe answer de rakha hai. He, kyunki wo daud raha tha. So the answer will be, he has been running. Kyunki wo daud raha tha. Isliye wo out of breath hai. Carol is out of breath. Why? Because he has been running. Right. The next is, Jane is very tired. Wo bahut thaki hui hai. And here we have given, she work hard. So aap kis tarah se isse use karenge? She has been working hard. Wo bahut zyada mehnat kar rahi hai aajkal. She has been working hard. Yes,
So Carol is out of breath because he has been running. Jane is very tired because she has been working hard. Tom's hands are very dirty. Tom ke haath bahut gande hain. So kyun gande hain? Because he has been, he has been doing something, right? He has been fixing the car. Wo car ko fix kar raha tha. Matlab wo car ko theek kar raha tha ya repair kar raha tha. So he has been fixing the car. So then now we are going to do some sentences. Like we are going to make a sentence on how long something has been happening. यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो sentences हैं. हम उन दो sentences को मिलाकर एक sentence बनाएंगे showing कि वो काम कब से हो रहा है. Like in this sentence, Kevin is studying. He began studying 3 hours ago. उसने केविन पढ़ रहा है और उसने 3 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया. सो वी आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंस शोइंग वो कब से पढ़ रहा है. सो द सेंटेंस विल बी केविन हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. लाइक दैट यू आर गोइंग टू मेक द सेंटेंसेस ऑल द अदर वंस. द नेक्स्ट इज मोहित स्मोक्स. मोहित स्मोकिंग करता है. He began smoking in university. उसने university के time में smoking शुरू किया. So क्या होगा? First of all, we will write the subject Mohit. फिर हम देखेंगे कि subject हमारा singular है या plural है. Third person तो नहीं है. Obviously it is one, so it is has. Mohit has been क्या कर रहा है वो? Smoke कर रहा है, right? So Mohit has been smoking. Now here, if you see, it is in university. That means यहाँ कोई number नहीं है. It is not a duration of time. So we are going to use since. Since university. वो university के time से smoking करता आ रहा है. So Mohit has been smoking since university. Right? Next is Anu is hunting for a job. Anu एक job ढूंढ रही है. She began her hunt 2 months back. उसने 2 महीने पहले अपना job ढूंढना शुरू किया. So क्या होगा? Anu has been क्या कर रही है? वो job ढूंढ रही है, right? So Anu has been hunting for a job. कब से? 2 महीने पहले से, right? For 2 months. Right. So that is how she is looking for a job for 2 months. Ab iske hum kuch aur sentences practice karte hain. We have is like Divakar writes a book. Divakar books likhta hai. He began writing when he was 10. Usne kab likhna start kiya? Jab wo 10 saal ka tha. Right. So it is Divakar has been writing books kab se? Since 10 years, right? 10 saal se, matlab jab wo 10 saal ka tha. Since he was 10 years old, since 10 years, right? Bill and Annie make films. Bill aur Andy jo hain wo dono films banate hain, right? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिल एंड एंडी. दे मेक फिल्म्स. दे स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स टुगेदर व्हेन दे लेफ्ट यूनिवर्सिटी. उन दोनों ने फिल्म्स बनाना कब से शुरू किया? जब उन्होंने यूनिवर्सिटी अपना छोड़ा, यानी कि अपना पढ़ाई ख़त्म की. व्हेन दे लेफ्ट यूनिवर्सिटी. सो द सेंटेंस विल बी बिल एंड एंडी, क्योंकि यहाँ दो हैं सो इट विल बी have been क्या कर रहे हैं वो? making films, right? They have been making films after or since the, we can say after the university. University के बाद से वो अपनी films बना रहे हैं. Since the completion of the university or after the university.
The next example we have is Sonal is working in Toronto. Sonal jo hai wo Toronto mein kaam kar rahi hai. She started working there from January 5th. Usne 5th January se wahan pe kaam karna shuru kiya hai. So the sentence will be Sonal has been working kahan par working in Toronto since 5th January. Why since? Kyunki yahan pe ek starting point de rakha hai. Usne wahan kaam karna kab shuru kiya? 5th January se. Sanya is a tennis champion. Hum jante hain Sanya Mirza. Sanya Mirza is a tennis player and she started playing when she was 5 years old. Jab wo 5 saal ki thi tab usne tennis khelna shuru kiya. So Sanya has been playing tennis since 5 years. 5 साल से उसने 5 years old. 5 साल की थी जब उसने टेनिस खेलना शुरू किया. सो अब यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंसेस बना सकते हैं जो हमें ये दिखाता है कि वो काम कब से हो रहा है. Now we are going to do some exercise for asking the questions. हमने देखा था कि हम किस तरह से perfect continuous tense के केस में how long use करके एक sentence को बना सकते हैं, question पूछ सकते हैं. बारिश हो रही है, कब से हो रही है, right? Usually अगर मैं कहूँ वो सो रहा है, question होता है कब से सो रहा है. So here we are going to make the sentences using how long. So it is raining. So the question will be how long? Then how long it has been raining, right? Kab se barish ho rahi hai? How long it has been raining? Mike plays chess. Mike chess khelta hai. Kab se khelta hai? Right? How long? Mike has been playing. How long he has been playing chess? वो कब से chess खेलता है? Sonia reads War and Peace. War and Peace एक book का नाम है. वो कब से War and Peace पढ़ती है? So question क्या होगा? How long Sonia has been reading? Then it is your War and Peace. I've written in short. So, कब से पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है? कब से पढ़ रही है? How long she has been reading War and Peace? So, let's do some more questions related in the same format. Ambika lives in Mumbai. Ambika Mumbai में रहती है. So, question क्या होगा हमारा? कब से रहती है? Right? How long Ambika has been living in Mumbai. वो कब से मुंबई में रहती है? Question. How long Ambika has been living in Mumbai? Jim sells washing machine. क्या होगा question? How long Jim has been selling washing machines, right? कब से machines बेच रहा है? शुभम is studying French. So, आप बताइए. Right, so I'll not do these two sentences. ये दोनों sentences मैं नहीं करूँगी. ये आप practice कीजिए. आप बताइए पुराने ऊपर के examples को देखकर कि किस तरह से आप ये दोनों sentence करेंगे. और उसके बाद भी अगर आपको नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, then you can get back to us and you can ask us. We will help you out in doing so. Thank you.